यूं तो उत्तर प्रदेश प्रतिभाओं का धनी है, यहाँ की मिट्टी ने कला के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर सितारे दिए हैं। उसी क्रम में वेब म्यूजिक पर एक और उत्तर प्रदेश की माटी से निकला कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले के ग्राम परसोना निवासी अली शेर खान की, जो कि वेब एल्बम कलाकार है, जिनकी पूर्व में भी कई एल्बम आ चुकी हैं, जिनमें हमारी धनिया, नौ दिन बड़ा निक लागेला, छठी मैया देवी आदि प्रमुख हैं। और उनकी आने वाली एल्बम का नाम तिलेशरा का नेहर है। वेब कलाकार अली शेर खान ने न्यूज़ फ्रीडम से बातचीत में बताया कि उनका सपना कुशीनगर की माटी का नाम देश में रोशन करना है। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। आप वेब कलाकार हैं जी, भैया तो आप रहने वाले कहाँ के हैं जी? भैया सबसे पहले हम पूरे भोजपुरिया श्रोताओं को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के। हम रहने वाले कुशीनगर जिले के परसोना खुद के हैं। अच्छा, तो आपका मतलब लक्ष्य क्या है भोजपुरी एल्बम में आने का? आप लक्ष्य क्या आपको है अब तक क्या? सर हमारा लक्ष्य यही है कि मैं भोजपुरी एल्बम में आऊँ और बड़ा भोजपुरी का बड़ा एक्टर बनूं, बड़ा हीरो बनूं और मेरा नाम जिले से लेकर पूरे देश में हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली शेर खान है। अली शेर खान है जी। अच्छा, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ तक किया है? सर हमने कुशीनगर बुद्ध पीजी से बीएससी किया है जी। अच्छा, आपने ये जो आपका जो कलाकारी जो सीखा है, आपने जो है भोजपुरी जो कलाकार बनना चाहें, तो आपने शिक्षा किससे लिया है? सर मैं शिक्षा अपने डैडी से लिया हूँ, अपने पिताजी से, और उन्हीं से गायन सीखा हूँ और हारमोनिया बजाना वगैरह सब उन्हीं से मिला है। अब तक कितने आपके एल्बम आ चुके हैं बाज़ार में? सर हमारे 6-7 एल्बम आ चुके हैं बाज़ार में। आ चुके हैं क्या? आपने लॉन्च किया, अभी लॉन्च करने वाले हैं? अभी हम एक एल्बम है, अच्छा एल्बम है जो लाचारी है, अच्छा है, जो भोजपुरी को नया दिशा में ले जाएगा। अब तो कुछ गंदा हो गया है, इसके लिए नया दिशा में ले जाएगा भोजपुरी, इसलिए हम लोग एक नया गीत लाए हैं लाचारी, तो जिसका एल्बम का नाम है तिलेशरा के नैहर। तो उसमें थोड़ा सा फिल्मा देंगे एक लाइन जी? फिल्माएंगे फिर कर दिया मेरा। हम आगे से बोलिए। हाँ बोले। घर घूरी ओइल रहि देहि पर न कपड़ाए धनिया, घर घूरी ओइल रहि देहि पर न कपड़ाए धनिया, फोरबु सोहरा के आकड़ाए धनिया, फोरबु सोहरा के आकड़ाए धनिया। इसके पहले आप जो अभी बताए हैं कि इसके पहले जो एल्बम आपका आई है उसमें बैक एल्बम क्या रही है? जी उसमें एक एल्बम आया था जो कवि हैं हरेंद्र जी और मगन जी जो गाना लिखे थे, उसका यह है। उसमें कुछ चूसता मच्छर रोजा, चूसता मच्छर रोजा, देहिया के पानिया बानी कोनिया, चूसता मच्छर रोजा, देहिया के पानिया बानी कनिया, झूलनिया बेच के, झूलनिया बेच के किनी द राजा मच्छरदनिया, झूलनिया बेच के किनी द राजा मच्छरदनिया। खेसारी और पवन सिंह के लिए क्या कोई संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जी हम मान जाए वो तो बड़े भैया लोग बड़े एक्टर हैं, लेकिन उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं तो कुछ साफ सुथरा गाएं और साफ सुथरा गीत हो, इसके लिए मान जाओ उन लोगों के संदेश से छोटे कलाकार उभरेंगे जी। राम सर गफ्फार खान। अच्छा, आपने लाडले के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जो वेब कलाकार है आपका बेटा? हमारा बेटा वेब कलाकार है, उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हम बड़ी इच्छुक हैं कि हमारे देश के लोग पूरा देखें और हमारा लड़का जो है हीरो बन के दिखावे, इसीलिए हम उसके पीछे हैं। आपकी सफलता के पीछे बेटे की सफलता है? हाँ, चलिए अच्छी बात है। और आप अपने बेटे को इस लाइन में लाने के लिए प्रयास किए कि मेरा बेटा हीरो बनेगा? हीरो बनेगा। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। और हम राइटर भी हैं भोजपुरी के, भोजपुरी भाषा के आप एक्टर भी रहे हैं पुराने, आप उसी किसी के आपके बेटे को दिया है। चलिए आपकी परचम लहराएगी आपके जो भोजपुरी कलाकार आपके बेटा बने। आपको अगर जानकारी लेना हो तो कहिए तो दो कड़ी सुना भी सकते। सुना दीजिए।
कटहर के लेढ़ा पर सी धरी मछरिया सोकानी रे, कटहर के लेढ़ा पर सी धरी मछरिया।